जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने तथा महाराष्ट्र में समाज सुधार के उद्देश्यों से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 85 के तहत। 1858 में सर्वप्रथम किस राज्यों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया? आंध्र प्रदेश। अच्छा, आगे है अपना, और आगे है आपका क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950। योजना, राष्ट्रीय योजना आयोग मीन्स नेशनल प्लानिंग कमीशन, 1950 में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, जिसको मीसा भी कहा जाता है ना? 1971 में, MISA। ठीक है, मीसा की फुल फॉर्म है आपकी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA, है ना? 1971 में ये लागू किया गया, मतलब ये पारित किया गया था, ये अधिनियम। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा एक विवादास्पद कानून था, ये विवादास्पद कानून था ये। ठीक है, 1971 में पास किया गया, इसको पारित किया गया, लागू किया गया, बनाया गया। भारतीय राष्ट्र नहीं, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषयों किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट मतलब रेजिड्यूल जो बचे हुए होते हैं, है ना? जैसे मतलब कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ आपके यूनियन गवर्नमेंट के पास है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में, कुछ स्टेट लिस्ट में, कुछ यूनियन लिस्ट में, कुछ कंकरेंट लिस्ट में, उसके बाद भी कुछ बच गए तो वो आपके रेजिड्यूल मैटर होंगे ना, बचे हुए, वो केंद्र सरकार ही देखती है उनको भी। यहाँ पे मे बी अवशिष्ट के लिए कुछ और यूज़ होता है, वैसे रेजिड्यूल भी यूज़ होता है वर्ड। और आपके आगे है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, भारत सरकार का कौन सा प्राधिकरण संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का महान्यायवादी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर है आपका भाग 20, पार्ट 20, और आर्टिकल 368 में। किस राज्यों के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर है 1/3 सदस्यों। ठीक है ना जी। और लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा का सदस्य जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? जाहिर है अलीपी। बंदरगाह भारत के किस राज्यों में स्थित है? केरल में। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये बहुत पहले के डाटा है, इसमें तो दूसरा स्थान है अगर रिसेंट का, तो मेरे को पता नहीं अभी। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक है ना, सीवे। और नेपाल किस राज्यों का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत और तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। भारत का समंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? नीलगिरी में। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है ना। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? कश्मीर में है। एनू किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? जापान की, जापान में एनू है ना। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। ठीक है, भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? 3/4। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? इराक का नाम है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। भारत का कौन सा जिला कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। किस देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को नहीं किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? मतलब कोई देश लगाता है तो आयात पर कर, मतलब इंपोर्ट पर, तो उसे टैरिफ बोलते हैं, टैरिफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में? अफगानिस्तान में। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र को क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं कहते हैं। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? मतलब भगवान बुद्ध को तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाओं को। और भारत में जेंडर बजटिंग मतलब लिंग मूलक बजट बनाना वो सर्वप्रथम किस वर्ष के बजट में अपनाया गया? तो जेंडर बजटिंग सबसे पहले की गई भारत में 2005-06 के बजट में, है ना जी। और उसके बाद है आपका भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में। ठीक है, और फिर आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर है आपका कृषि व सहायक क्रिया क्षेत्र तक क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। ठीक है, अच्छा, राज्य सूची में मतलब कृषि व सहायक क्षेत्र जो है राज्य सूची में आते हैं। कृषि जो है राज्य सूची में आता है। कृषि विपणन अवस्थापना क्षेत्रीकरण श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास तथा सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा। निकोटेनिमाइट किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटेनिमाइट है आपके, निकोटेनिमाइट है आपका विटामिन पी का, भाई नई विटामिन है, पी में तो पड़ी पहली बार। और पाई मेसन की खोज कब और किसने की? युकाब ने की 1935 में पाई मेसन की खोज,
ना, पाई मेसमैन क्या चीज़ है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी लखनऊ में है,